हेलो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ मैं सूजी का डोसा। इसको ग्राइंड कर लेंगे और जितना बारीक हो सके उतना बारीक पीसेंगे। ये देखिए, मैंने इसको पीस दिया है सूजी को। दो कप मैंने सूजी ली और एक बड़ा चम्मच मैंने आटा लिया है, बेसन आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, पिसी हुई चीनी। जितना मैंने सूजी लिया था उतना ही मैं उतने ही कप दही डालूंगी। तो ये दो कप मैंने सूजी ली थी तो दो कप ही मैं दही डालूंगी। दही अच्छे से मिक्स कर दिए मैंने सूजी में, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अब इसको रख देंगे 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। उसके बाद इससे बनाएंगे हम डोसे। और जब डोसा बनाएंगे हम तो तभी इस बैटर में हम टेस्ट के अनुसार नमक और आधी चम्मच के करीब या उससे थोड़ा कम इनो डालेंगे। तो चलिए तब तक इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। चलिए 20 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। ये देखिए गाढ़ा हो गया है, ये सूजी ने पानी सोख लिया है। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। इसका अच्छा सा एक घोल बना लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए ऐसे बना हमारा डोसे का बैटर। अब इसमें डालेंगे हम इनो। ये देखिए आधे चम्मच के करीब है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे जो हमारा बैटर एकदम फ्लफी सा हो जाएगा थोड़ा। ये देखिए बबल्स आने लग गए इसमें। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो मैं डाल रही हूँ एक चम्मच नमक, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इधर हमारा तवा गरम हो गया है, अब इसमें थोड़ा ऑयल लगाएंगे। इसको अच्छे से पोंछ लेंगे एक कपड़े से। पानी के छींटे तवे को ठंडा करेंगे। ये देखिए अब डालेंगे इसमें बैटर। इसको आराम से घुमाते जाएंगे हल्के हाथों से और एक गोल सा बनाएंगे जितना हम बना पाए। और जब ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा ये ऊपर से, तो फिर इस पे हम ऑयल लगाएंगे। तो अभी तो इसको सूखने देते हैं। ये देखिए ये ड्राई हो गया, अब इस पर लगाएंगे हम ऑयल। साइडों पे भी थोड़ा ऑयल लगाएंगे। अब
इसको गोल्डन कलर, ये देखिए गोल्डन कलर का होने लग गया। अब इसको सारी साइडों से अच्छे से, जहाँ जहाँ से हमें लग रहा है कि अच्छे से कलर नहीं आया उस साइड, आज की साइड रखेंगे क्योंकि ये पैन बड़ा है, तो इस करके अच्छे से हो गया। अब इसको हम आराम से छुड़ाते हुए जाएंगे और आराम से फोल्ड करेंगे। ये देखिए एकदम करारा बना। तो ये देखिए हमारा सूजी का डोसा और सांभर तैयार है, फर्स्ट बाइट आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।